just to take break from my hustleful life, I decided for a perfect gateway trip, Yakult. Yakult is in my bucket list for a long time because of its lush green vegetation and high altitude lake, which make it a perfect weekend trip. So I decided not to miss any chance for my rejuvenating weekend trip of Yakult. Yakult is part of Chevrai Hill in Eastern Ghats, which is known for coffee, fruits and spices. It is located at distance of 30 kilometers from Salem, Tamil Nadu. The route taken by us was through to Hosur, Krishnagiri, Salem and then Yakult, which is surrounded by cloud-laden hills, garden and well-groomed large trees. Okay, so finally अभी हम लोग ने आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर चुके हैं. 150 किलोमीटर बागलों से अभी तक का हम लोग ने पूरा ख़त्म कर लिया है और अभी टाइम हो रहा है, आप देख सकते हो 8:30 के करीब टाइम हो रहा है और 150 हो चुका है. तो अभी एस्टिमेट करा जा रहा है कि बचा हुआ है 80 किलोमीटर. तो हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हो सकता है इसको मैक्सिमम तो मैक्सिमम 2 घंटे में कवर करेंगे. तो अभी चलते हैं और कोशिश करते हैं अब, क्योंकि हमने थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक भी ले लिया था. मेरे पास बिहाइंड एक रेस्टोरेंट है तो वहाँ पर हम लोग ने ब्रेक लिया है. तो खाना वाना खा करके, नाश्ता करके अब हम जा रहे हैं. रास्ता बिल्कुल स्टॉप नहीं लेने वाले हैं, 2 घंटे में इसको पूरा कवर करना है. यहाँ से हेयर पिंस का सफर शुरू होने वाला है. यहाँ पर टोटल 20 हेयर पिंस है जो हमें क्रॉस करनी है. तो चलते हैं और ड्रोन उड़ाते हैं. अभी तक हम लोग जो ऊपर एकदम टॉप में यारकॉट नहीं पहुँचे हैं, हमारी जो हेयर पिंस होती हैं वो स्टार्ट हो गई थी. तो अभी सोचा कि यहाँ पर थोड़ा सा बहुत अच्छा व्यू दिखाता है एक सामने, तो यहाँ पर बस बैठते हैं 5 मिनट के लिए, क्योंकि बाइक से आ रहे थे भाई. हमारी बाइक भी बहुत थक गई है और हम भी थोड़ा सा थक गए हैं सुबह से चलते चलते. तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर 5 मिनट का रेस्ट लेंगे. तो हमने सोचा आपको दिखा देते हैं यहाँ के मेरे सामने जो व्यू है, इतना सुंदर है आप देख सकते हो. मुझे नहीं पता आपको कैमरे में दिख रहा होगा इतना क्लियरली कि नहीं दिख रहा है, बट मेरे सामने बहुत सुंदर व्यू दिख रहा है मुझे. इसलिए अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है, पेड़ की छाँव में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं 5 मिनट का, एनर्जी लेते हैं, फिर से पूरा रिजुविनेट होते हैं और आगे जा कर के फिर से रिकवर करके पूरी स्टार्ट करते हैं हेयर पिंस की. जो एक ट्रेल है ना वो बहुत सुंदर है और बहुत एक्साइटेड हूँ. मैंने अभी तक ऐसे हेयर पिंस तो कवर किए हैं बट अभी तक लेकिन जो बाइक में एक जा कर के खुला खुद से ही पूरा हेयर पिंस को नहीं देखा है, तो बस उसको जा कर के देखते हैं. जेंट्स व्यू पॉइंट का टिकट है जो 30 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है. जेन सीट पे है और ये 1500 मीटर अबव सी लेवल है,
और जेंट्स सीट, लेडीज सीट और चिल्ड्रन सीट सब साथ में लगी हुई है कि Hello? आपको कोई भी आना है तो अपना कवर कर सकते हो. और अगर आपका लाइक बहुत आप पीसफुल जगह पे काफ़ी पसंद करते हो तो अब मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जेंट्स सीट आओ, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा क्लीन. अगर टिकट की बात करी जाए तो जेंट्स सीट पे यहाँ पर 30 रुपीज़ पर पर्सन है, तो वो 30 रुपीज़ आपको यहाँ के जेंट्स सीट के साथ साथ बोटैनिकल गार्डन जो होता है इसके अलोंग ही साइड में है उसको आप कवर कर सकते हो. और जो लेडीज़ साइड जो जेंट्स सीट से 200 मीटर्स के डिस्टेंस पे है तो वहाँ पर कोई भी एंट्री फीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. और यहाँ पे मूवी की शूटिंग्स होती हैं तो अगर आप यहाँ पर कैमरा या फिर ड्रोन कुछ भी उड़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा. बैंगलोर चेरी ब्लॉसम हो गया है और यारकॉट पर्पल हो गया है गर्मियों में. अगर आप पीस लवर हो और आपको शांति बहुत पसंद है, लाइक आपको लगता है कि कहीं भी हिल स्टेशन पर जाकर के चिल करें, तो आप इस जगह ज़रूर आइएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा है, एकदम कामनेस, एकदम क्लीन, बहुत आपको अच्छा लगेगा फॉर श्योर.